सो भाई लोगों, आज है सैटरडे और तारीख है 4 मई 2024। ये हमारा ट्रफ है जो आप देख रहे हैं, पूरा तोड़ दिया है और जहाँ जहाँ आपकी आंखें देखेंगी सब कुछ तोड़ दिया है उन्होंने। और अब लगता नहीं है कुछ बनेगा यहाँ पर, सब कुछ ख़राब हो गया है भाई। कुछ अलग ही बना रहे हैं प्लानिंग इनकी। ये रहा आपका पूरा ऊँची ऊँची इमारतों के साथ मलबा भी देखोगे आप साइड में, जहाँ जहाँ तक आँखें दिखेंगी आपकी, जहाँ जहाँ तक आपकी आँखें देख रही हैं सब जगह मलबा ही मलबा है। ग्राउंड पर यह हाल हो गया है। ये रही अपनी लेग, जो हमारा चढ़ाई थी वो सब इन्होंने समतल कर दिए, फ्लैट कर दिया है, सब उखाड़ दिया सब। ये रे भाई बैक। सो मेरे हिसाब से अगर बनेगा भी तो 2 महीने कम से कम लगेंगे, और लगता नहीं है कि जिस तरीके से पहले बना हुआ था वैसे बनेगा, क्योंकि अगर ऐसा बनना चाहे बनता तो ये तोड़ते ओढ़ते नहीं। ट्रफ जो अच्छा खासा बना हुआ था सब पूरा तोड़ दिया इन्होंने भाई। देखो कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में भाई, लूडो खेलो अब सबके सब, क्रिकेट छोड़ के लूडो खेलो। क्रिकेट तो प्राइम दिल्ली वाले लोगों का गया, और यहाँ की सरकार, यहाँ की गवर्नमेंट जो भी है, बेफजूल चीज़ें जो अपने लोगों की हेल्प नहीं कर सकती, अपने बच्चों को खेलने के लिए एक प्ले ग्राउंड नहीं दे सकती। ऐसा अच्छा क्या ही है, क्या ही वोट देंगे लोगों को। एक ही ग्राउंड था प्राइम दिल्ली के लोगों के लिए जहाँ वो बच्चे खेल लेते थे, जहाँ हम फिज़िकल एक्टिविटी करते थे, अब वो भी इन्होंने तोड़ दिया है। पता नहीं क्या कर रहे हैं। सामने वैसे इतना बड़ा गार्डन है राजघाट पर, आप देखिए वहाँ पब्लिक जाती नहीं है। इसको भी ये अपना सौंदर्यकरण करने के चक्कर में तोड़ रहे हैं। जो लोग बच्चे खेलने आते थे सुबह सुबह फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, वो भी नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन वो गवर्नमेंट खुद जाने, हमें तो बेवकूफ़ बना दिया। सो ग्राउंड के हाल ऐसे है, और ग्राउंड अब बंद है, ख़त्म है सब। अब आप लोग अपने हिसाब से देख लो कौन सा स्पोर्ट्स चुनते हो आप, क्योंकि अब यहाँ पर तो पुरानी दिल्ली में आसपास को ग्राउंड है नहीं। बाकी दोबारा देखेंगे 2 हफ्ते बाद जाके, अपडेट कर देखेंगे क्या कराया इन्होंने। सब कुछ तोड़ दिया भाई, कुछ नहीं रखा। चलो बाय मेरे भाइयों।